हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जिसको सुनने के बाद आप कहेंगे वाह क्या बात है। यह कहानी है आरव और इशिता की कहानी। बहुत साल पहले की बात है, एक छोटे से शहर में आरव नाम का युवक रहता था। वह एक समृद्धि से भरपूर परिवार से आता था, लेकिन उसकी आंतरिक खोज में वह कुछ अधूरापन महसूस करता था। उसका मन जीवन की सच्ची मुद्रा को खोजने का इरादा कर रहा था। एक दिन आरव ने एक किताब की एक पुरानी दुकान में इशिता से मिला। इशिता एक साहसिक और सपने देखने वाली लड़की थी जो एक स्वतंत्र जीवन जीने का सपना देख रही थी। उसकी पहली मुलाकात से ही उसका दिल एक दूसरे की ओर खींचने लगा। आरव ने इशिता से बातचीत करना शुरू किया और उसके सपनों के बारे में सुनकर उसने भी अपने सपनों को पहचाना। उनकी दोस्ती में से हुआ प्यार ने उनकी जिंदगी को नए रास्तों पर ले जाने लगा। एक दिन आरव ने इशिता से कहा, तुम्हारे साथ होकर मेरा दिल पूरा हो गया है, क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी? इशिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आरव, मैं तुम्हारी साथी बनना चाहती हूँ। उनका प्यार और साथीपन ने उन्हें सच्ची खुशियों की तरफ बढ़ाया। वे एक दूसरे के साथ अपनी मुश्किलों को साझा करते और हर मोड़ पर एक दूसरे का साथी बन जाते। जब आरव को एक अच्छा कार्य क्षेत्र का मौका मिला तो इशिता ने उसे पूरी सपोर्ट की। उन्होंने कहा, तुम्हारा सपना मेरा सपना और हम मिलकर इसे हकीकत बना सकते हैं। आरव और इशिता ने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उनका प्यार और समर्पण ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। उनकी मेहनत और एक दूसरे के प्रति विश्वास ने उन्हें जीवन में हर पहलू में सफलता दिलाई। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्यार और साथीपन हमें जीवन की मुश्किलों को पार करने में मदद कर सकते हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ होते हैं तो वे हर कदम पर एक दूसरे का साथी बनते हैं और जीवन की सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। तो ऐसे ही रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल टॉप अमेजिंग फैक्ट्स को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कराना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी रोचक कहानी के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद।